हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज लिटिल वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप लेफ्ट ओवर रोटी सब्जी को यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से बची हुई ब्रेड को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अक्सर यही होता है, जब ब्रेड फ्रेश फ्रेश होती है सबको उसे खाना पसंद होता है, लेकिन जैसे ही वो एक्सपायरी डेट के करीब आने लग जाती है कोई उसे टच भी नहीं करता है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैं ब्रेड को यूज़ करती हूँ क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर प्लानिंग नहीं है, कोई बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई फ्राई नहीं करना, कुछ नहीं करना। बहुत ही आसानी से आप अपने रूटीन के साथ साथ इसे बना सकते हैं। जब आपके घर वाले इसे खाएंगे, पसंद करेंगे, तब आप मुझे थैंक्स करने ज़रूर आ जाना इस वीडियो के नीचे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए यहाँ पर लहसुन की कुछ कलियाँ, इनको आप अच्छे से क्रश कर लीजिए। ध्यान रहे कि लहसुन जो है बहुत अच्छे से क्रश होना चाहिए, मोटे दाने ना रहें। उसके बाद बटर के अंदर आप लहसुन मिला दीजिए, साथ ही यहाँ पर मिला दीजिए काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो ऑरिगैनो भी मिला सकते हैं। बेसिकली ये गार्लिक ब्रेड का ही एक हैक है, आप समझ लो, बहुत आसानी से जो बन जाता है। उसके बाद आप इस मिक्सचर को अच्छे से अपनी ब्रेड पर पूरी तरह से फैला दीजिए, कोई भी कॉर्नर छूट ना जाए, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप इतना ज़्यादा बटर नहीं खाना चाहते हैं, तब आप ऑलिव ऑयल का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बटर को रिप्लेस करके आप ऑलिव ऑयल डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक फिर आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सिंपली हमें इसे टोस्ट कर लेना है। ये काम आप अपने घर के रूटीन के काम के साथ साथ भी कर सकती हैं। आप चाहे तो इसे ओवन में कर लीजिए या फिर आप इसे टोस्टर में भी टोस्ट कर सकते हैं। हमारा मकसद है इसे गोल्डन ब्राउन करना और क्रिस्पी करना, तो वो आप कैसे भी कर सकते हैं। एक तरफ़ से जब ये अच्छे से सिक जाती है, तब हमें दूसरी तरफ भी इस मिक्सचर को अच्छे से फैला देना है और ब्रेड को हमें टर्न कर देना है। जब आप इसे टर्न करेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो ब्रेड है ये बहुत अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत से एक गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुकी है, ये देखिए। उसके बाद जब आप इसे टच करके भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक तरफ से ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, बस हमें दोनों तरफ से इसे क्रिस्पी कर लेना है। चलिए अब इसके साथ खाने के लिए एक बेहतरीन सा डिप तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है 2 चम्मच टमाटो केचप, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच मेयोनीज़, और साथ में लूँगी 1 चम्मच यहाँ पर चटपटी शेजवान चटनी। इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। इस मिक्सचर को आप एज अ पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर सकते हैं, आप इसे बच्चों को जब सैंडविच देते हैं तो एज अ सैंडविच स्प्रेड भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड अल्टीमेट टेस्ट बहुत अमेजिंग लगता है। अब जिस ब्रेड को आपने यहाँ पर टोस्ट किया था उसे आप इस तरह के फिंगर्स में कट कर लीजिए, जिससे कि उठाकर खाना बहुत आसान हो जाएगा हर किसी के लिए। और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाना चाहती हैं, तब आप कुकी कटर से इसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इस डिप को ज़रूर ट्राई करना, इट्स अमेजिंग। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, एंड आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत ही टेस्टी स्नैक है, हर कोई इसे आपके घर में पसंद करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर करिए कि और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।